जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हमें भरपूर स्नेह प्राप्त होता है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम पूजा करते हैं, किसी भी प्रकार से हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा करते हैं। हम ध्यान रखते हैं कि कहीं किसी भी कारणवश कोई गलती ना हो, परंतु दोस्तों, शब्द है, वाक्य है, उसके द्वारा भी हम किसी गलती को होने से रोक लेंगे, तो उसके बावजूद भी कुछ गलतियां ऐसी हैं जो फिर भी हो जाया करती हैं। अब मैं अपनी पूजा को किस प्रकार से परिपूर्ण करें, अपनी पूजा का हमें बेहतर लाभ कैसे प्राप्त हो, इसके लिए पूजा के अंत में मैं यह चार मंत्र आज आपको बताऊंगा, जिसमें से केवल एक मंत्र ही आप याद कर लेना या लिख लेना, लिख करके पढ़ देना, धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। यह चारों मंत्र क्षमा याचना के मंत्र हैं, इनमें से एक मंत्र कोई भी दोहराए। सर्वप्रथम मैं मंत्र बता देता हूं, अन्यथा शरणम न अस्ति त्वम एव शरणम ममे तस्मात् कारुण्य भावेन क्षम्यतां परमेश्वर। किसी अन्य की शरण मुझे नहीं चाहिए, केवल आपकी ही मैं शरण चाहता हूं, इसलिए हे कारुण्य भाव, हे देव, आप मुझे अपनी शरण मिले। बहुत आसान सा मंत्र है। दूसरा मंत्र भी मैं आपको बता देता हूं, यद अक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत् सर्वम क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर। यदि कोई अक्षर से मैं भ्रष्ट हो गया हूं, किसी मात्रा में, किसी वाक्य में कोई गलती हो गई है, तब मैं उसकी आपसे क्षमा चाहता हूं, हे देव, आप मुझ पर कृपा करें। अब तीसरा मंत्र भी मैं आपको बता देता हूं, इसे नोट कर लेना। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत पूजितम मया देवे परिपूर्णम तदस्तु मे। कोई क्रिया में, कोई मंत्र में, किसी प्रकार की भक्ति में कोई त्रुटि रह गई हो, तो हे प्रभु, मुझे क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब चतुर्थ मंत्र भी बता देता हूं, आवाहनम ने जानामि विसर्जनम पूजाम च एव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। ना मैं आपका आवाहन जानता हूं, ना आपकी पूजा जानता हूं, किसी भी प्रकार से मैं आपकी कोई भी क्रिया नहीं जानता हूं, इसलिए कोई त्रुटि रह जाए तो आप मुझे क्षमा करें। दोस्तों, यह चार मंत्र जो मैंने आपको बताए हैं, इन चार मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र हर पूजा के बाद में अवश्य दोहराएं। यदि
आपकी पूजा में किसी भी प्रकार से कोई कमी रह जाती है तब क्षमा याचना करने पर आपकी वह सभी त्रुटियां दूर हो जाती हैं और प्रभु की विशेष कृपा आप पर बरसने लग जाती है। दोस्तों अच्छा है आप चारों याद कर लें, नहीं तो एक अवश्य याद कर लें। अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को अवश्य बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइफ का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।